God. परमेश्वर की तारीफ हो. The theme of our continued Bible studies is the return of the Lord Jesus Christ and the new world order. हमारी बाइबल अध्ययनों का मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और नया सरकार नया सरकार का क्रम. The idea for a new world order began in the late 17th century. हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ये एक ही दुनिया का क्रम के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई. In 1773, yesterday said there was a man called Mayor Amschel Rothschild who was from a banking family. और मैंने जैसे आपसे कहा था कि 1773 में ऐसे एक व्यक्ति था जिसका नाम है Amschel Rothschild. वो एक बैंकर के परिवार के थे. His family was very successful in banking and they were the founders of the Rothschild banking dynasty. और वे उसके परिवार जो है ये बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ही अधिक सफलदायक थे और वे लोग जो है ये Rothschild बैंकिंग डायनास्टी का शुरुआत किए. एंड दे कॉल फॉर सम ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स एंड सेड इफ यू कुड हील ऑल योर मनी टू दिस बैंकिंग वी कैन बाय द होल वर्ल्ड एंड रूल द होल वर्ल्ड. और उनके निकट के कई मित्रों से उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप इस बैंक में जमा करें तो हो सकता है कि पूरे संसार को हम हमारे काबू में ला सकते हैं. सिंस देन ऑल द रिच मैन इन द वर्ल्ड दे स्टार्टेड डिपॉजिट देयर मनी विद द Rothschild बैंकिंग डायनास्टी. और तब से लेकर सभी धनी मनुष्य जो है वे लोग अपने धन को इस Rothschild बैंकिंग डायनेस्ट पैसे जमा करने लगे. 3 years later, 3 वर्ष के पश्चात जोहान एडम बिशप ब्रॉट आउट अनदर आइडिया टू ब्रिंग द होल वर्ल्ड इन टू वन ऑर्डर. पूरे संसार को एक क्रम में लाने के लिए उसने एक योजना बनाई. वॉट इज दैट आइडिया? वो योजना क्या थी? थ्रू इलिमिनेशन ऑफ अवर माइंड. हमारी मन को प्रकाशमान करने के द्वारा. नॉट विद वॉर्स एंड वेपन्स ऑफ वॉर. लड़ाई या लड़ाई के हथियार के द्वारा नहीं. बट बाई ह्यूमन इंटेलिजेंस वी कैन डू दैट. ब्रॉट आउट एन आइडिया एंड दैट आल्सो बिकेम ए सक्सेस. लेकिन इंसानों की बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा हम इस प्रकार से कर सकते हैं करके उसने कहा और उसमें भी वे लोग सफलता पाए. एंड देयर आफ्टर वी फाइंड. और उसके बाद हम देखते हैं व्हेन यूएसए वाज फाउंडेड इन द 18th सेंचुरी. जब 18वीं सदी में यूएसए को कब्जा किए थे. द फर्स्ट US president named George Washington, he also developed an idea about the new world order. पहले US का जो राष्ट्रपति था George Washington, उसने भी ये नया संसार का क्रम की एक योजना बनाई. In his inaugural address on April 30, 1789, he said, 1789 तारीख को जब उसने सबसे पहले राष्ट्रपति होने के पहले जो लोगों से जो भाषण दिया था उसमें उसने कहा, This nation will prosper and be protected as long as it is committed to the will and the purpose of God. जब तक ये देश परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का उद्देश्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तब तक ये देश में सफलता होगी. Again he said, और उसने कहा, That without God and Bible, this world cannot be rightly ruled. उसने बिल्कुल निश्चित रूप से कहा कि परमेश्वर और इस बाइबल के बिना हम इस संसार पर राज्य नहीं कर सकते हैं. And that was his version on the inaugural speech. और जिस उसने पहले सबसे पहले भाषण दी थी उसने इस प्रकार से कहा था. These are the first three people who had an idea about bringing the whole world into one order or bring the whole world under one ruler. ये ऐसे प्रथम 3 लोग थे जिनको एकमात्र संसार के क्रम के बारे में एक योजना थी और जिसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था. Then during the Second World War, we all must have, do you know about a familiar person called Adolf Hitler? और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम सब अडोल्फ हिटलर के बारे में जानते हैं. He was the premier in Germany. वो जर्मनी के राष्ट्रपति थे. And he brought about a national socialism. और उसने के देश में इस प्रकार का साम्यवादी समाजवादी एक तरीका लेकर आया. Only through a revolution, और केवल people can establish a new world order. उसने कहा केवल एक क्रांति के द्वारा ही लोग एक नए संसार का क्रम को स्थापित कर सकते हैं. The fifth person who had an idea about the new world order was, ये पांचवा व्यक्ति जिसको नए संसार का क्रम के बारे में योजना थी, फॉर्मर रशियन प्रीमियर मिखाइल गोर्बचेव. वो पहले रशिया का राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बचेव. इन हिस्टोरिक एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशंस ऑन December 7, 1988, 1988 में जब दिसंबर में उसने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक भाषण दिया तब उसने कहा,
global progress is now possible only through a universal consensus in the moment toward world order. The worker prosper only when the work is brought under new world order. उसने इस प्रकार से कहा, संसार में सफलता तब होगी जब ये पूरे संसार को एक नए क्रम के अधीन में लाएंगे. The next person who developed this idea was अगला व्यक्ति जिसने इस योजना को बनाया, the former president of United States, President George Bush. वो पहले जो United States के राष्ट्रपति थे, George Bush. In a special meeting when he met the Soviet President Gorbachev in Finland in September 1990. September 1990 में जब उसने फिनलैंड में माइकल गॉर्बाचोव जो रूस का प्रेसिडेंट था उससे मुलाकात किया, तब उसने इस प्रकार से कहा. He said new world order would be established under the United Nations for world peace and only the United States has the potential to do it. उसने कहा कि नया सरकार का क्रम ये संयुक्त राष्ट्र में स्थापना की जाना चाहिए और केवल यूएस को इसके लिए ये काम के लिए काबिलियत है. प्रेसिडेंट ओबामा आल्सो सेड द सेम थिंग. राष्ट्रपति ओबामा भी इस प्रकार से कहा. ही सेड वी आर नाउ थ्रेटन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट ग्लोबलिस्ट हू आर कन्विंसिंग अमेरिका एंड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दैट द ओनली वे टू लास्टिंग वर्ल्ड पीस इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. और उसने इस प्रकार से कहा कि हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि केवल एक नई सरकार संसार के क्रम को जब हम स्थापना करेंगे, जब पूरे संसार में शांति और खुशी बनाए रहेगा. बिफोर हिम बिल क्लिंटन एंड हिलरी क्लिंटन वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट. उसके पहले बिल क्लिंटन जो यूएस के पहले राष्ट्रपति थे और उसकी पत्नी हिलरी क्लिंटन, दे आल्सो डिस्क्राइब 1932 में उन्होंने इस प्रकार से कहा था. ह्यूमैनिटी लिव्स इन अ पीसफुल केयरफ्री हेल्थी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी ओनली व्हेन द वर्ल्ड कम्स अंडर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. जब ये संसार एक नए संसार के क्रम के नीचे आएगा तो पूरे संसार में उन्नति होगी और समाज में शांति होगी. इस तरह से एक अनुभव केवल नई सरकार के क्रम के द्वारा हो सकता है. एंड पोप जॉन पॉल टू और पोप जॉन पॉल टू ऑन ए वर्ल्ड डे ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 2004 पहला जनवरी 2004 को एक संयुक्त राष्ट्रों का जब एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था संसार की शांति के लिए, ही सेड पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ द नीड फॉर ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर. तब उसने इस प्रकार से कहा कि शांति के निमित्त सब लोगों को अभी ये पता है कि सभी संयुक्त राष्ट्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संगठन होना चाहिए जो एक जो और एक नया सरकार का क्रम होना चाहिए. मोर देन ऑल दीस पीपल इन सब लोगों से बढ़कर प्रोफेसर डॉक्टर हेनरी एलमैन वाज़ द चीफ एनालिस्ट ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट. जो यूरोपिक इकोनॉमिक मार्केट का चीफ एनालिस्ट था उन्होंने कहा. इन बेल्जियम ही सेड, बेल्जियम में उसने कहा, We have already started building up the new world order. हमने नई सरकार का क्रम बनाना शुरू किए हैं. Yes, and we are looking out for a one world leader. हम एकमात्र संसार का एक नेता के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं. Whether he is a beast or a devil, we are ready to accept him to be the ruler over the whole world. चाहे वो जानवर हो, चाहे वे शैतान भी हो, फिर भी हमें उसे एकमात्र संसार का नेता होकर ग्रहण करने के लिए तैयार हैं. So the world over these centuries is planning to bring the whole world under one order. तो इस संसार कई सदियों से संसार में एकमात्र सरकार का क्रम ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं. एंड इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015 में जो संयुक्त राष्ट्रों का संगठन हुई उसमें 179 वर्ल्ड लीडर्स दे कमिटेड टू 17 ग्लोबल गोल्स टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी फाइट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस. और उन्होंने इस प्रकार और कई राष्ट्र के नेताओं ने मिलकर कहा कि संसार में होने वाले सारे अन्याय को दूर करने के लिए और संसार में शांति को लेकर आने के लिए ऐसी एक संगठन की जरूरत है. एंड ही आल्सो जॉइंड द पोप फ्रांसिस. और वे पोप फ्रांसिस के साथ मिलकर इन स्पीच ही सेड एमिंग एट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर द ग्रीड इज डिस्ट्रॉइंग द यर्स रिसोर्सेज इन अग्रेसिव पॉवर्टी. ग्रीड इज द ओनली रीजन व्हिच डिस्ट्रॉयज द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. उसने इस प्रकार से कहा कि संसार की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला केवल लालच है. इन जुलाई 1782 जुलाई द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी जॉइंट फोर्सेज विद फ्री मेसनरी ऑफ द कांग्रेस इन विल्हेम्सबर्ग. ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी कांग्रेस ये दोनों संगठन साथ में मिल गए. यस, एज आई सेड जॉन Adam Weishaupt, he was the first man who founded the Illuminati. He had an idea about the Illuminati in the whole world with the new ideas or with the intelligence of man. मैंने जैसे कहा कि जोहान एडम वेशॉट ये पहला व्यक्ति था जो इस इल्यूमिनाटी को शुरुआत किया और वो कहता था कि सबके मन प्रकाशमान किया जाना चाहिए.
according to his own illumination of mind, और उसके खुद के मन प्रकाशमन होने के कारण, he said for the world order to be established, उसने कहा कि नया संसार का क्रम की स्थापना होने के लिए, the world must give importance to 9 agendas of the new world order. संसार जो है ये नई संसार के क्रम के 9 योजना के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहिए. What are the 9 agendas of new world order? ये नए संसार के क्रम की 9 योजनाएं क्या थी? 1 world government for security, और सुरक्षा के लिए एक सरकार होना चाहिए. 1 world leader for stability, संसार में एकमात्र नेता उसकी स्थापना के लिए. 1 world economy for equality, और एक समानत्व होने के लिए एक ही संसार का क्रम होना चाहिए. 1 world religion for unity, और एकता के लिए एक ही संसार का धर्म होना चाहिए. 1 world citizenship, एक ही संसार की नागरिकता होना चाहिए. 1 word language, संसार में एक ही भाषा होनी चाहिए. 1 word law and order, एक ही नियम और कानून होना चाहिए. 1 word trade policies, पूरे संसार में एक ही व्यवहार के क्रम होना चाहिए. एंड 1 world mind, ऑल द सिटीजंस इन द वर्ल्ड मस्ट हैव ओनली 1 mind. संसार के सारे नागरिकों को एक ही मन होना चाहिए. दीज आर द 9 agendas बेस्ड ऑन विच ही थॉट दिस वर्ल्ड कैन बी ब्रॉट अंडर 1 world order. और उसने सोचा कि ये 9 योजना के द्वारा ही संसार को एक संसार के क्रम में लेकर आ सकते हैं. ही ऑल्सो डेवलप्ड एन आइडिया इन हिज माइंड, और उसके मन में इस प्रकार की भी एक योजना हुई थी. हाउ कैन वी अचीव दिस 9 goal? हम ये 9 लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टू अचीव दिस 9 गोल्स, ये 9 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ही थॉट 6 things मस्ट बी डन इन द वर्ल्ड. उसने सोचा कि संसार में 6 बातें किया जाना चाहिए. 1, ऑल ऑर्डर्ड और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड मस्ट बी अबॉलिश्ड, चुने हुए सरकार सब इस दुनिया से हटाया दिया जाना चाहिए. नंबर 2, दूसरा, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज मस्ट बी अबॉलिश्ड, किसी व्यक्ति का अपना एक जायदाद नहीं होना चाहिए. ऑल द रिलीजियंस मस्ट बी अबॉलिश्ड, संसार के सारे धर्म को हटा दिया जाना चाहिए. पैट्रियटिज्म दैट मींस लव फॉर हिज ओन कंट्री दैट मस्ट बी अबॉलिश्ड, अपनी देशभक्ति या देश के प्रति प्रेम ये किसी के सब मन से हटाया जाना चाहिए. इवन फैमिली यूनिटी मस्ट बी अबॉलिश्ड, पारिवारिक एकता भी हटाया जाना चाहिए. एंड द वर्ल्ड करेंसी मस्ट गो डिजिटल, और धन व्यवस्था जो संसार का है वो डिजिटल हो जाना चाहिए. दीज आर द 6 things विच मस्ट बी अबॉलिश्ड, ये चीज 6 चीजें हटाया जाना चाहिए. नाउ द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, अभी संसार उसकी तैयारी कर रही है. वन सेकंड रिपीट, और एक बार कहता हूँ, 1 word government फॉर सिक्योरिटी इज गोइंग टू हैपन नाउ, अभी होने वाला है. अब सुरक्षा के लिए पूरे संसार में एक ही सरकार होना चाहिए. फॉर द लास्ट 3 centuries द वर्ल्ड इज प्लानिंग टू ब्रिंग द होल वर्ल्ड अंडर 1 order. That is 1 word government. पिछले 3 सदियों से संसार में एक ही क्रम लाने के लिए या एक ही सरकार लाने की योजना कर रहे हैं. They believe only then this world can be secure. वे लोग सोचते हैं कि उसके द्वारा ही देश में सुरक्षा होगी. नंबर 2, दूसरा, इफ द होल वर्ल्ड इज ब्रॉट अंडर 1 government, देयर मस्ट वन लीडर टू रूल द होल वर्ल्ड. पूरे संसार में एक सरकार होने से उस सरकार में राज्य करने के लिए एक ही नेता होना चाहिए. The European economic market chief analyst says, if he happens to be a beast or a devil, we are willing to accept him. ये यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट के चीफ एनालिस्ट कहते हैं, चाहे वो एक जानवर हो या शैतान भी हो, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. गॉड मेक्स दिस पीपल टू स्पीक आउट दिस थिंग्स बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड मस्ट बी फुलफिल्ड. परमेश्वर इन लोगों से ये सब बातें कहने के लिए कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना चाहिए. We have been learning these days that the beast is going to rule over the whole world. हम इन दिनों में पढ़ रहे थे कि एक जानवर इस संसार पर राज्य करने वाला है. What does it mean to be a beast ruling the world? ये जानवर संसार पर राज्य करना कहने से उसका अर्थ क्या है? In Bible we read, शास्त्र में हम पढ़ते हैं, बीस्ट इज सिग्निफाइंग ए किंगडम, ये जानवर जो है एक राज्य को दर्शाता है. जो डैनियल गॉड से, डैनियल से परमेश्वर ने कहा, द फोर्थ बीस्ट दैट विल क्राइस अप, ये चौथा जानवर जो उदय होगा, दैट विल बी ए किंगडम, वो एक राज्य होगा. दैट इज द फोर्थ किंगडम, वो चौथा राज्य होगा. सो द बीस्ट स्टैंड्स फॉर 1 किंगडम, ये जानवर कहने से एक राज्य को दिखाता है. व्हाई वर्ल्ड किंगडम्स आर कंपेयर्ड टू बीस्ट इन बाइबल, शास्त्र में संसार के राज्यों को ये जानवरों के साथ तुलना क्यों किया है? The answer is in Psalms 49, the last, the penultimate verse. उसका उत्तर जो है वजन संगीता 49 का आखिरी वचन में है. What is written there? उसमें क्या लिखा है? Man without in fact understanding of God is like a beast that perishes. उसमें ऐसा लिखा गया कि जिस इंसान को परमेश्वर की ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की जानकारी नहीं है, वो एक जानवर की मानिंद है. Man that is an honor and understands not is like the beast that perishes. मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं. Worldly people who do not have the knowledge about God are the
knowledge about the Bible, God looks at them as wild beasts. संसार के लोग जिसमें परमेश्वर के बारे में या शास्त्र के बारे में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं है, परमेश्वर उनको वन पशुओं की मानिंद गणना करता है. Therefore, God showed in his dream to Daniel, comparing all the coming world kingdoms to the terrible beasts. इसलिए परमेश्वर ने स्वप्न में जब दानियल को दिखाया तो आने वाले सभी इस देश राज्यों को जानवर के साथ तुलना करके दिखाया. So these are the nine agendas the new world order is planning to bring about. ये नई संसार की क्रम इस प्रकार की नव योजना को स्थापित करना चाहते हैं. So these are all God's plan. ये सब परमेश्वर की योजना है. One leader for world stability. पूरे संसार को की स्थापना के लिए एक ही नेता होना चाहिए. One world economy for equality. और सब में एक समावेश होने के लिए एक संसार की अर्थव्यवस्था. Now the whole world is divided into three groups. अभी पूरे संसार को तीन भाग में विभाजित किया है. Based on money. और उनके अर्थव्यवस्था के हिसाब से. Religion. उनके धर्म के हिसाब से. And politics. और राजनीति के हिसाब से. Yep, one world citizenship. और एक सरकार एक संसार की नागरिकता. Every citizen will have an enrollment with the government. हर एक नागरिक जो है सरकार में पंजीकरण किया जाएगा. And before Jesus comes the second time. यीशु मसीह दोबारा आने के पहले. The same thing will once again be repeated. At the time when Jesus comes the second time, the whole world will go for one world citizenship. यही बात दोबारा होने वाला है और यीशु आने के पहले पूरे संसार में एक संसार के क्रम के लिए सब लोग आगे बढ़ेंगे. It will happen very soon. You wait and see. ये बहुत ही जल्दी होने वाला है. आप इंतजार करके देखिए. For that, the government bring a rule that every person must have a mark. और उसके लिए सरकार इस प्रकार का कानून लाएगा, सभी व्यक्ति को एक चिन्ह होना चाहिए. Now the government is insisting upon the आधार कार्ड. अभी सरकार कहते हैं कि आधार कार्ड तो बहुत ही जरूरी है. Yes, that is the forerunner of this number. वो इस संख्या का आगे चलने वाला है. In the third world war, तीसरे विश्व युद्ध में, which is very imminent, ये बहुत ही जल्दी होने वाला है. I said Jesus will come. मैंने कहा कि यीशु आएगा. Before he comes, वो आने के पहले, the world will prepare for one world citizenship. ये संसार पूरी सरकार में एक ही नागरिकता के लिए तैयार होंगे. The Illuminatis are trying their best to capture the world secretly through their human intelligence. जो इल्यूमिनाटी संगठन अपने ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे पूरे संसार को अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं. We poor people are implicitly be obedient to whatever the government says. हम जो गरीब लोग हैं, जो कुछ सरकार कहता है हम पूरी तरह से उनकी आज्ञा मान लेते हैं. World leaders are secretly using their human intelligence to test whether the world citizens can be easily brought under our rule. संसार के नेता एक गुप्त रीति से अपने ज्ञान के द्वारा ये परखना चाहते हैं कि संसार के नागरिक उनके अधीन में लेकर आए आ सकते हैं कि नहीं. Now they have proved it is 100% possible. अभी वे लोग इस बात को सबूत कर लिए कि ये 100% संभव है. All these things Jesus said are the beginning of sorrows. यीशु ने कहा ये सब पीड़ाओं का आरंभ है. Revelation chapter 13 verse 16 and 17. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़ेंगे. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Four things are mentioned here. यहाँ पर चार बातें बताई गई हैं. He will force or compel every citizen in the world. वो संसार के हर एक नागरिक को ये मजबूर करेगा. To accept his mark or name or number. उसके छाप, उसके नाम या उसके अंक को लेने के लिए वो मजबूर करेगा. And that will have his image too. और उसके ऊपर उसका मूर्त भी रहेगा. Yes, so that will be made compulsory over all the world citizens. वो सारी संसार के नागरिकों के लिए बिल्कुल जबरदस्ती होगा. Why the mark? ये चिन्ह क्यों है? What does the mark speak of? ये चिन्ह किसे दिखाता है? Mark is an indication. चिन्ह जो है ये इस बात को सबूत करती है. Indication, it indicates something. ये बात को दर्शाती है. Yes, therefore I said mark stands for an indication from God. इसलिए चिन्ह जो है परमेश्वर की ओर से किसी चीज को दर्शा रहा है. इट इज लिटरल एंड इट इज विजिबल. वो अक्षरिक है और वो दिखाई भी देता है. सो द नंबर और द मार्क विद द एंटीक्राइस्ट विल फोर्स एवरी सिटीजन टू बियर. इट विल बी विजिबल एंड इट विल बी लिटरल. इसलिए मसीह विरोधी जो चाप या जो संख्या देगा वो सबके शरीर में दिखाई देगा और दूसरों को भी वो दिखाई देगा. वो किसी छाया के रूप
रूप में नहीं रहेगा. एंड अगेन हिज नेम और हिज नंबर, और उसका नाम और उसके अंक भी के बारे में लिखा है. नेम स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, नाम कहने से एक व्यक्ति का परिचय. नेम स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये नाम पहचान के लिए या परिचय के लिए है. मार्क स्टैंड्स फॉर इंडिकेशन, ए विजिबल लिटरल साइन विल बी पुट ऑन द बॉडी. ये चिन्ह कहने से एक सबको देखने लायक और एक अक्षरिक चिन्ह शरीर पे होगा. देन कम्स द थर्ड थिंग द नंबर, और तीसरा जो अंक है. नंबर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर्स दैट कंपोज हिज नेम, ये अंक जो है ये इसको कोई आंकड़ों में या संख्याओं में होगा. ऑल द रोमन अल्फाबेट्स विल हैव ए नंबर, सभी रोमी अक्षरों को एक अंक भी होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई पुट इनटू मार्क, जब मैं इनटू मार्क डालता हूँ. इन न्यूमरल व्हाट इज इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, और रोमन न्यूमरल में उसका वैल्यू, उसका दाम क्या है. 10, गुड. एवरी रोमन अल्फाबेट हैज ए नंबर बिहाइंड इट, हर एक रोमी अक्षर के लिए उसके पीछे एक अंक भी होता है. एंड द रोमन गवर्नमेंट इज वाज गोइंग टू रूल ओवर द होल वर्ल्ड नाउ, और आने वाले दिनों में रोमी सरकार इस संसार पर राज्य करने वाला है. व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एंटी क्राइस्ट, तो ये मसीह विरोधी का नाम क्या होगा. इट विल बी इन न्यूमरल, वो जो अंकों में होगा. यस, सो दैट अदर्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, ताकि दूसरे लोग उसे समझ नहीं पाए. ओनली दोस नो द रोमन लैंग्वेज एंड द वैल्यू ऑफ द रोमन अल्फाबेट ही कैन मेक इट आउट, जो रोमी भाषा को जानते हैं और रोमी अक्षरों का दाम जानते हैं वे लोग उसे समझ पाएंगे. ऑन द फोरहेड ऑफ द क्राउन ऑफ पोप, अभी जो पोप है उसके मुकुट के ऊपर ऐसा लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज अ लैटिन सुपरस्क्रिप्शन, उसमें लतीन भाषा में कुछ लिखा गया है. विकारिस फिलिडेई, विकारिस फिलिडेई, नाउ विकारिस फिलिडेई, इफ यू टेक ऑल दोस अल्फाबेट्स, विकारिस फिलिडेई, उसके सारे अक्षरों को जब हम लेते हैं एंड काउंट देयर नंबर, और उसके पीछे जो अंक है उसको हम जोड़ते हैं, इट विल कम टू 666, उसका पूरा अंक जो 666 ये मूल्य को देता है. इट इज ओनली एन एग्जाम्पल, ये केवल एक उदाहरण है. विकारिस मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ द सन ऑफ गॉड, विकारिस कहने से परमेश्वर के पुत्र के बदले में. इट इज रिटन लैटिन लैंग्वेज, ये लतीन भाषा में लिखा हुआ है. बट इन रोमन लेटर्स, लेकिन रोमी अक्षरों में. द नेम ऑफ द एंटीक्राइस्ट, द वन वर्ड रूलर, ये मसीह विरोधी का जो नाम है, विल बी इन न्यूमरल, वो जो अंकों में होगा. एंड देयरफॉर ही इज गोइंग टू गिव एवरी पर्सन ए नंबर, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को एक अंक या संख्या देगा. दिस नंबर ऑल्सो इज गोइंग टू बी ए सिस्टम, ये अंक में भी एक प्रणाली होगी. नाउ 666, नाउ इन गूगल व्हेन यू गो एंड टाइप www, जब आप गूगल में जाके www टाइप करोगे, यस, w इन द रोमन लैंग्वेज इज 6, w जो रोमी भाषा में 6 को दिखाता है. सो 3 w's मेक्स ऑन 666, इसलिए 3 w होने से 3 6 होता है. यस, दैट मींस द होल वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन ब्रॉट अंडर द 666. इसका मतलब ये है कि अभी पूरा संसार जो है ये 666 के नीचे लेकर आया गया है. 666 इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉट ओनली जस्ट अ नंबर बट इज गोइंग टू बी अ सिस्टम. ये 666 केवल एक अंक ही नहीं लेकिन ये प्रणाली भी है. एंड विदाउट गेटिंग दिस नंबर इम्प्लांटेड ऑन योर फोरहेड और इन योर राइट हैंड, और यदि आप इस अंक को आपके माथे पर या आपके दाहिने हाथ पर आप नहीं लेते हो, तो नो मैन कैन बाय और सेल, कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर सकता. फाइनली हिज इमेज, और आखिरी में उसका मूर्त. हिज इमेज स्टैंड फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन, उसका स्वरूप कहने से वो उसका प्रतिनिधि है. तो इन बाइबल वी रीड, लेकिन शास्त्र में हम पढ़ते हैं, द फॉल्स प्रॉफेट और द होर हु इज सिटिंग ऑन द बीस्ट, झूठा भविष्यद्वक्ता या वो वेश्या जो उस जानवर पर बैठी है. शी विल एनफोर्स एवरीबॉडी, मेक एन इमेज ऑफ द बीस्ट एंड शी विल फोर्स एवरीबॉडी टू वर्शिप द इमेज. वे सबको जो ये मूर्त की प्रतिमा, ये सब वो जानवर का एक प्रतिमा बनाकर वो सबसे कहेगी कि सब लोग उसकी उपासना करना है. एंड द 666 आल्सो इन बाइबल गिव्स सम अदर मीनिंग, और 666 शास्त्र में और भी किसी अर्थ को दिखाता है. बाइबल सेज दैट नो मैन कैन बाय और सेल विदाउट एक्सेप्टिंग दिस नंबर, शास्त्र कहती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंक के बिना लेन देन नहीं कर सकता. दैट मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कैन नेवर बी डन, उसका मतलब ये कि पैसों को आप लेन देन नहीं कर सकते हैं. इन द बाइबल वी रीड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, शास्त्र में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, किंग सोलोमन यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड फ्रॉम तार्शिश, राजा सुलेमान तार्शिश से सोना लेकर आता था. एंड व्हेन ही यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड फ्रॉम तार्शिश, और जब वो तार्शिश से सोना लेकर आता था, एवरी ईयर हर एक साल में 666 किलो वेट ऑफ गोल्ड यूज्ड टू ब्रिंग, 666 किलो सोना वो लेकर आता था. ऑल दीज थिंग्स आर ए प्री रनिंग इश्यू और ए प्रिपरेशन फॉर द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब बातें आने वाले संसार के क्रम के लिए एक अगुवा है. व्हाट विल हैपन टू those people who will refuse to accept the mark, और जितने लोग उस छाप को नहीं लेते उनका क्या होगा. एंड बाइबल सेज nobody should accept this mark, शास्त्र कहती है कि कोई भी उस छाप को लेना नहीं चाहिए. बिकॉज क्योंकि
accepting the mark means you have accepted the Antichrist as God and you are going to worship him. वो छाप को यदि आप ले लेते हैं तो आप ये स्वीकार करते हो कि मसीह विरोधी परमेश्वर है और आप उसकी उपासना करोगे. Simply God doesn't say don't accept it for no reason. परमेश्वर ऐसा ही किसी कारण के बिना नहीं कहता कि आप उस छाप को नहीं लेना. There is a valid reason for it. उसके लिए एक सही कारण भी है. The reason is seen in 5 places in Bible. ये कारण शास्त्र के 5 जगहों पर हम देखते हैं. Especially in the book of Revelation. खास करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में. Read Revelation chapter 14. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 to 11. 9 से लेकर 12 तक पढ़िए. Here we read. यहाँ पर हम पढ़ते हैं. If any man worship the beast and his image. यदि कोई इस पशु और उसकी मूर्त की उपासना करते हैं. And receive his mark. और उसकी छाप को ले लेते हैं. Who will receive his mark and image? कौन उसके उस मूर्त और छाप को ले लेगा? If any man worship and receive. First he will worship and then only he will receive. वो पहले उसकी पूजा करेगा फिर उसे ग्रहण करेगा. All those who receive this mark, they have already made allegiance to the devil to worship him in the place of God. और जितने लोग इस पशु की छाप को ले लेते हैं वे लोग इस पशु की पूजा करने के लिए अपने आप को उसके लिए समर्पण कर दिए हैं. Now come to the 19th chapter, the 20th verse of Revelation. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 20वां वचन. Them that had received the mark of the beast and them that worshipped his image. और जो उस पशु की छाप को लेकर उसकी मूर्त को पूजा किए. God is going to punish them in the eternal hell. परमेश्वर उन्हें नित्य नरक में उन दंड देगा. Yes, the Antichrist will be caught, the false prophet, the woman harlot will be caught, both will be cast into the lake of fire. वसी विरोधी झूठा भविष्यद्वक्ता वो वेश्या इनको पकड़कर उन्हें आग की झील में डालेंगे. And all those who receive the mark of the beast also will be cast into the hell fire burning with brimstone along with. और जो पशु की छाप लेकर उसकी पूजा करते हैं उन्हें भी एकमात्र संसार के नेता और झूठा भविष्यद्वक्ता के साथ पकड़कर उन्हें आग की झील में डाले जाएंगे. Finally, chapter 20, verse 4. और आखिरी में 20वां अध्याय का 4वां वचन में. Read again. और एक बार हम पढ़ते हैं. Which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark. जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्त की पूजा नहीं की थी और जिसने उसकी छाप को स्वीकार नहीं किया. That is those who failed to worship the beast and received his mark. और जो लोग पशु की पूजा नहीं किए और उसकी छाप भी नहीं लिए. And they will come with Jesus to reign on this earth to rule with him for 1000 years. वे यीशु मसीह के साथ उस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य के लिए आएंगे. Yes. मसीह के दोबारा आगमन में 3 भाग हैं. One is his secret coming. एक उसका गुप्त आगमन है. He will appear in the sky. वो आकाश में प्रकट होगा. 1 Thessalonians 4:16 reads. पहले तिस्लोनी को 4:16 में लिखा है. When trumpets shall be sounded. तभी तुरी की आवाज होगी. The dead in Christ will rise first. जो मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे. And those who are alive in Christ. और जो मसीह में जीवित हैं. They will be translated. वे रूपांतरित होंगे. And they both will go together to meet Jesus in the sky. Jesus will never come to the land. और वे लोग वे सब मिलकर यीशु से बीच आसमान में मुलाकात करेंगे. यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आएगा. In the middle of the 7 years. ये 7 साल के बीच में. As we read in 20:4. जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 20:4 में पढ़ा था. Those who refuse to accept the mark of the beast and worship him. जो इस पशु की मूर्त को ग्रहण नहीं पूजा नहीं किए और उसकी छाप को नहीं लिए. A great multitude without number. ऐसी बहुत बड़ी भीड़ जिनकी संख्या नहीं है. They all will be killed by him. वे सब उसके द्वारा मारे जाएंगे. I gave you 2 verses in the morning. मैं सुबह आपको 2 वचन बताया था. Revelation 6:8-9:15. प्रकाशित वाक्य 6:8-9:15. These 2 verses we read that 50% of world population is going to be killed. इस दोनों वचनों में हम पढ़ते कि संसार की जनसंख्या का 50% मार डाला जाएगा. And most of them will die as martyrs for the word of Christ and for the blood of the Lamb. और बहुत सारे लोग मसीह के वचन और मेमने के लहू के निमित्त शहीद होकर मर जाएंगे. Keep this truth in your mind. ये सच्चाई को अपने मन में खोद के रखिए. In the event of you are being left or left behind. यीशु के आगमन में हाथ छोड़ दिए जाते हो. And you are not able to be raptured. यदि आप आगमन में आप शामिल नहीं होते हो. One more chance God is giving you by his grace. प्रभु अपने अनुग्रह से आपको और एक मौका देता है. You will have to die as a martyr to go to heaven. आपको शहीद होकर मरना ही होगा यदि आपको स्वर्ग जाना है. But in fear of being put to death by the Antichrist. लेकिन मसीह विरोधी के द्वारा मार डाले जाने के भय से. If you
accept the mark of the beast and worship him. यदि आप उस पशु की पूजा करते हैं और उसकी चाप को ले लेते हैं. Antichrist will not kill you, but God will kill you. मसीह विरोधी आपको नहीं मरेगा, लेकिन परमेश्वर आपको मार डालेगा. Why? क्यों? You have denied God. क्योंकि आप परमेश्वर को इनकार किए हो. And you have become enemy to God. आप परमेश्वर के शत्रु बन गए हो. 2 Thessalonians 1:7-9. दूसरा तिस्लोनिकियों पहला अध्याय 7-9 तक हमने सुबह पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था? The judgment of God. God will take vengeance upon all those who disobeyed the gospel. जो लोग सुसमाचार को नहीं माने, परमेश्वर का क्रोध उन सब से पलटा लेगा. It is the right thing for God. It is God's righteousness. ये परमेश्वर की धार्मिकता है. When the government wants you that you shouldn't do this and that. जब सरकार आपको चेतावनी देता है कि आप ये काम वो काम नहीं करना. When you deliberately do it. जब हम जानबूझकर ऐसा करते हैं. Government is punishing you. सरकार आपको सजा देती है. That is the law of the land. वो संसार का एक नियम है. A criminal, let him be anybody, he can't escape the punishment. एक गुनाहगार चाहे वो कोई भी हो, वो सजा से बच नहीं सकता. That is the law of IPC, Indian Penal Code. वो IPC या इंडियन पेनल कोड का एक कानून है. There are many many classes. उसमें ऐसे कई कानून है. For which crime you should be given what punishment? कौन सी गुनाह के लिए आपको क्या सजा देना चाहिए? But Bible says in 2 Thessalonians 1:7-9, God will take vengeance upon those who disobey the gospel or the good news God gives them. लेकिन दूसरे तिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 7-9 में हम पढ़ते वक्त हमें पता चलता है कि जितने लोग सुसमाचार को नहीं मानते परमेश्वर उनको पलटा लेगा. Exodus 34:6. निर्गमन 34 अध्याय में. Yes. God is loving, God is gracious, he is merciful, no doubt. ये इसमें कोई बात का शक नहीं कि ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी और धीरजवंत है. At the same time. वही समय में. He will not leave the guilty unpunished. वो कभी भी And the Lord passed by before him and proclaimed the Lord God merciful and gracious. The Lord God merciful and gracious. Dayalu aur anugrahkari. Yes. Long suffering. Kop karne mein dheerajwan. And abundant in goodness and truth. He is abundant in goodness and truth. Ati karuna mein aur satya. Keeping mercy for thousands. He will show you mercy for 1,000 generations. Hazaro pidiyon tak nirantar karuna karne wala. Aur hazaro logon par karuna karega. Forgiving iniquity and transgression and sin and that will by no means clear and the guilty. By no means he will clear the guilty unpunished. परंतु दोषी किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा जी. By no means he will clear the guilty unpunished. वो कभी भी दोषी को निर्दोष न ठहराएगा. वो दोषी को सजा दिए बगैर चुप नहीं रह सकता क्योंकि परमेश्वर धर्मी है. वैसे परमेश्वर भी जिनको वो प्रेम करता है उनकी बच्चों को वो ताड़ना भी देता है. God also used to be very hard with us sometimes. वैसे कई बार परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा कठोरता से व्यवहार करता है. Because he is a righteous God. क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है. He cannot tolerate any sin. वो किसी पाप को सहन नहीं कर सकता. Because of his holiness. उसकी पवित्रता के कारण. Because he is a holy God. क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर भी है. The only thing he cannot tolerate is its sin. वो किसी भी तरह से हमारे पापों को कभी सहन नहीं कर सकता. Therefore he never clears the guilty without punishing it. इसलिए कभी भी दोषी को सजा दिए बिना वो नहीं छोड़ता है. A jot or a tittle from the word of God will never ever pass away. परमेश्वर के वचन की एक मात्रा एक बिंदु में भी कभी बदली नहीं होगा. इमेज मींस इट इज कन्फर्म्ड इनटू द नेचर एंड द सिमिलिट्यूड ऑफ अनदर पर्सन. ये मूर्त कहने से दूसरे व्यक्ति के स्वभाव और उसकी समानता के अनुसार बनाया गया है. Genesis 1:26 the word of God says God created man in his own image. ये उत्पत्ति पहला देखा 26 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान की सृष्टि की अपनी समानता और स्वरूप में की. एंड इन हिज ओन लाइकनेस और उसके स्वरूप में. मैन वॉज कन्फर्म्ड इनटू द नेचर एंड द सिमिलिट्यूड ऑफ God. क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर के स्वभाव और उसके आकार के हिसाब से बनाया गया था. When the devil will tell you to have his image, जब शैतान कहेगा कि तुम उसका मूर्त ले लो. He is going to conform you to his nature and his character. वो आपको जो उसके स्वभाव और उसके उसके समान आपको बदलेगा. 2 Thessalonians 2:9 read. दूसरा तिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 9वां वचन में लिखा है. How the one world ruler in the form of Antichrist will come to rule. ये मसीह विरोधी जो संसार का एकमात्र नेता है वो कैसे राजत्व में आएगा. He will come with deceivableness. वो धोखे के साथ आएगा. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish.
perish because they received not the love of the truth that they might be saved. 11. And for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. How the devil will come, how the one world ruler is going to come. ये शैतान कैसे आएगा, पूरे संसार का नेता ये कैसे आएगा? And how many children of God are going to fall away by believing him? और कैसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास करके धोखा खाएंगे? Many are going to fall away in the church. बहुत सारे लोग कलीसिया से वे लोग निकल जाने वाले हैं. Verse 3. तीसरा वचन. Paul says, let no man deceive you by any means. संत पौलुस कहता है कोई भी किसी प्रकार से आपको धोखा ना दे. For the day shall not come. क्योंकि वो दिन ना आएगा. Except there come a falling away first. जब तक धर्म का त्याग ना हो. And that man of sin be revealed, the son of perdition. और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो. Bible calls the Antichrist, the coming one world ruler, as a man of perdition. शास्त्र जो है शैतान को man of sin and son of perdition. मसीह विरोधी आने वाली संसार के नेता को पाप का पुरुष विनाश का पुत्र कहता है. When the devil entered into Judas Iscariot, one of the disciples of Christ. जब ये शैतान जो यूदास इस्कारियोती जो यीशु मसीह का एक चेला था उसके अंदर प्रवेश किया. Jesus called him as son of perdition. यीशु मसीह ने उसे विनाश का पुत्र कहा. Anyone who is being influenced or led or controlled by the devil in the sight of God, he becomes a son of perdition. जो कोई शैतान के द्वारा प्रभावित किया जाता है और जो उसके द्वारा चलाया जाता है उसे परमेश्वर विनाश का पुत्र कहता है. When the son of perdition, the man of sin, when he is revealed, जब ये पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट होगा, what he will do first, वो पहले क्या करेगा? Verse 4. चौथा वचन. He will oppose and exalt himself. वो विरोध करेगा और अपने आप को ऊंचा उठाएगा. Above all that is called God. जो कुछ परमेश्वर कहलाता है उससे वो अपने आप को ऊपर करेगा. और this worship. और या फिर वो उसकी पूजा करने के लिए कहेगा. So that is क्योंकि he as God, वो परमेश्वर होकर, may sit in the temple of God, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठे. So himself that he is God. और अपने आप को यह दिखाएगा कि वो ही परमेश्वर है. And how will he come? Jesus calls him again as a wicked. और उसके बाद यीशु उसे दुष्ट करके कहता है. Eighth word. आठवां वचन. Then shall the wicked be revealed. और तब वो अधर्मी प्रकट होगा. Whom the Lord consumed with the spirit of his mouth. जिसे प्रभु यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा. एंड नाइन्थ वर्स इज, नौवां वचन कहता है, कमिंग इज आफ्टर द वर्किंग ऑफ सैटन. उसका आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा. इन 13th चैप्टर ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, वेयर वी रीड अबाउट दिस बीस्ट, हम इस जानवर के बारे में पढ़ते हैं. वी फाइंड, हम देखते हैं, द डेविल इज गिविंग हिम हिज पावर एंड अथॉरिटी. शैतान अपना अधिकार और सामर्थ्य उससे देता है. फॉल्स प्रॉफेट द थर्ड बीस्ट, ये झूठा भविष्यवक्ता जो तीसरा जानवर है, ही विल फोर्स द होल वर्ल्ड टू वर्शिप दिस एंटीक्राइस्ट. वो सारा संसार को इस मसीह विरोधी की पूजा करने के मजबूर करेगा. During the 7 years of tribulation, soon after the rapture, after that saints be taken away from the church. और जब संत लोग गुप्त आगमन में उठा लिए जाएंगे उसके बाद 7 साल के पीड़ा काल में, द डेविल विल टेक होल्ड ऑफ द होल वर्ल्ड. शैतान पूरे संसार को अपने अधीन में ले लेगा. बिकॉज़ द सेंस हैव बीन टेकन अप, क्योंकि संत लोग उठा लिए गए. देयर विल बी नो वन टू चेस हिम आउट, और उसे भगाने के लिए कोई भी नहीं होगा. एंड ही विल एंटर इनटू द माइंड ऑफ द वर्ल्ड रूलर द एंटीक्राइस्ट. और जो इस संसार का जो नेता है या मसीह विरोधी है उसके मन में वो प्रवेश करेगा. ही विल इन्फ्लुएंस हिम, वो उसे प्रभावित करेगा. ही विल गिव हिम हिज पावर एंड हिज अथॉरिटी, वो अपना सामर्थ्य और अधिकार उससे देगा. सो द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय द डेविल इनडायरेक्टली. तभी जो है हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से इस संसार का राज्य इस शैतान के द्वारा होगा. एंड द थर्ड एनिमल हु इज सेड टू बी द फॉल्स प्रॉफिट और द वन वर्ल्ड रिलीजियस लीडर, और तीसरा पशु जो झूठे भविष्यवक्ता या संसार का एकमात्र धार्मिक नेता है. यस, एंड ही विल फोर्स द होल वर्ल्ड टू वर्शिप द एंटीक्राइस्ट. वो पूरे संसार को जबरदस्त करेगा कि वे शैतान की पूजा करें. ही विल फोर्स द वर्ल्ड टू मेक एन इमेज ऑफ हिम एंड पुट इट इन द टेंपल. वो कहेगा संसार के लोगों को कि उसका एक मूर्त बनाकर उसे मंदिर में रखो. इन जेरूसलम, यरूशलेम में. एंड ही विल से एवरीबॉडी टू वर्शिप हिम, और वो सबको उसकी पूजा करने के लिए कहेगा. एंड हिज कमिंग विल बी विद डिसीवेबलनेस, और उसकी आना धोखे के साथ होगा. एंड अनराइचसनेस, और अधर्मिकता के साथ. एंड दसवां वचन में लिखा है, डिसीवेबलनेस ऑफ अनराइचसनेस इन देम दैट पेरिश because they receive not the truth out of love. और नाश होने वालों के लिए अधर्म किस प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता. For this cause
God will send a delusion, a strong delusion to the mind of the people. और इसलिए परमेश्वर एक बटका देने वाली सामर्थ सबके मन में भेजेगा. That they may not believe in God, but they may believe in the devil or the antichrist. ताकि वे लोग परमेश्वर पर नहीं लेकिन मसीह विरोधी पर विश्वास करें. And what will happen to them? 12th verse. और 12 वचन में उनको क्या होगा? That they all might be damned who believe not the truth but are pressured in unrighteousness. जितने लोग सत्य की प्रतिति नहीं किए वह अधर्म से प्रसन्न होते थे वे सब दंड पाएंगे. This antichrist and the false prophet will do great miracles in those days to deceive people through their miracles. मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता कई प्रकार के अद्भुत काम करते हुए लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा. And three unclean spirits like frogs will go out of their mouth through the whole world. और मेंढकों की मानन तीन अशुद्ध आत्माएं उनके मुंह से निकालकर पूरे संसार भर में जाएगी. Revelation 16, 13 and 14. प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14. They will entice the kings of the whole world. वे इस संसार के सभी राजाओं को धोखा देंगे. He will unite them all against God and his people. वे सबको इकट्ठा करके परमेश्वर और उनके लोगों के विरुद्ध में उन्हें इकट्ठा करेंगे. All these things will happen. ये सब बातें होगी. In those days. उन दिनों में. Those saints who were left behind in the second secret coming of the Lord. जो संत लोग प्रभु की गुप्त आगमन में हाथ छोड़ दिए जाते हैं. How will the Antichrist track them? मसीह विरोधी उनको कैसे उनका पीछा करेगा? It is very very easy. वो बहुत ही आसान है. Now itself the Antichrist has brought all those means and methods. अभी मसीह विरोधी उसका सब तरीका अस्तित्व में लेकर आया है. Now every citizen in the world is crazy after a smartphone. अभी सभी संसार के सभी नागरिक जो एक स्मार्टफोन या से वे लोग बहुत ही पागल है. सिम एस आई एम. ये एस आई एम इसका अर्थ क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड. व्हेन आई गो फॉर ए सिम कार्ड. जब मैं एक सिम कार्ड के लिए जाता हूँ. आई एम सब्सक्राइबिंग. आई बिकेम ए सब्सक्राइबर टू द कंपनी द कम्युनिकेशन कंपनी. मैं उस कम्युनिकेशन कंपनी में मैं अपना पंजीकरण कराता हूँ. यस बिफोर इट इज एक्टिवेटेड. और जब वो एक्टिवेट किए जाने के पहले द फोन दे विल सेंड मेनी मेनी इंस्ट्रक्शन. फोन में कई प्रकार के निर्देश भेजते हैं. Nobody read. Out of 199 people never read. 100 लोगों में 99 लोग भी उसे नहीं पढ़ते हैं. After writing many many instructions, finally they will come across a small mark card. I agree. और सब कुछ ये निर्देश देने के बाद आखिरी में ऐसा लिखा होगा मैं सहमत होता हूँ. And you'll be tempted to just click I agree. और आप तुरंत जो I agree उसे क्लिक कर दोगे. Am I right? सही है ना? Because you want to get it activated very soon at the earliest. क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उसे इस्तेमाल करने के लिए शुरू करने के लिए आप इच्छुक रहते हैं. Some of the instructions is like this. उसमें कुछ निर्देश ऐसा है. We the communicating company. हम जो इस कम्युनिकेटिंग कंपनी है. You know we will take your permission to publish your photographs. हम आपसे अनुमति लेते हैं कि हम आपके फोटोग्राफ्स को पब्लिश करें. Yes. What everything will go in record. सब कुछ रिकॉर्ड में जाता है. Nothing is when you delete it from your phone you are fooling yourself. आप जब उसे फोन से डिलीट कर देते हो वो अपने आप को आप मूर्ख ठहराते हो. What do you think when I deleted No, after contacting, after speaking to a particular person, you delete the number. You are so happy. I deleted it from him. आप किसी अमुक व्यक्ति से बातें करने के बाद उनका नंबर फोन से डिलीट करते हो और बहुत खुश हो जाते हो. The smartphone which is in a hand which makes you very smart. ये स्मार्टफोन जो आपके हाथ में वो आपको बिल्कुल स्मार्ट बना देता है. It makes you crazy. वो आपको पागल भी कर देता है. It is going to catch you to the antichrist. और वो आपको पकड़ाकर मसीह विरोधी के हाथ में कर देगा. You know how it works? आप जानते हो कि वो कैसे काम करता है? It works through the RFID. वो जो RFID इसके द्वारा काम करता है. The abbreviation RFID is. RFID कहने से. Radio frequency identity. Radio frequency identity. Now speaking on the phone. जब अभी मैं माइक्रोफोन में बात कर रहा हूँ. Through a cord it is connected. ये कॉर्ड के द्वारा ये जोड़ा गया है. To the amplifier. Am I right? Amplifier से जोड़ा गया है. So this is called the conductor. इसे कंडक्टर कहते हैं. But when I take my phone. लेकिन जब मैं फोन लेता हूँ. And I dial your number. और नंबर को डायल करता हूँ. There is no conductor. It is connected. माई फोन यूर फोन. आपके फोन और मेरे फोन के बीच में कोई जोड़ नहीं है. बट RFID इट इज कनेक्टिंग. लेकिन ये RFID दोनों के फोन को जोड़ता है. फॉर द रेडियो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट पास इट डजंट नीड ए कंडक्टर. ये रेडियो की तरंग या मैग्नेटिक तरंग को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उसे कोई जोड़ की जरूरत नहीं. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है. बट व्हाट इज कॉल्ड रेडियो. लेकिन ये रेडियो कहने से क्या है? रेडियो मीन्स. रेडियो का अर्थ है एन इंस्ट्रूमेंट. ऐसे एक चीज
वेव्स वी कैन ट्रांसमिट द वेव्स इनटू साउंड जो ये तरंगों को आवाज में बदल सकती है. व्हेन आई टॉक इन माय फोन जब मैं मेरी फोन के द्वारा बातें करता हूँ. व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द रेडियो तो ये रेडियो का काम क्या का, to क्या ट्रांसमिट अदर पास ये उस चीजों को वो पास करता है. माय वॉइस टू रीच यू मेरी आवाज आपके आपके पास तक पहुंचाता है. हाउ डज इट रीच विदाउट द कंडक्टर एक जोड़ के बिना कैसे पहुंचता है. माय फोन इज कनेक्टेड टू ए सैटेलाइट व्हिच इज अबव इन द स्काई 33,000 किलोमीटर्स अवे. मेरा फोन जो है वो ऊपर जो सैटेलाइट है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है जो 33,000 किलोमीटर दूरी पे है. सो व्हेन यू स्पीक टू योर फोन जब भी आप आपके फोन के द्वारा बातें करते हो इट इज रेडियो एक्टिवेटेड द फ्रीक्वेंसी मीन्स द स्पीड ऑफ द करंट. ये वो करंट का तेजी को दिखाता है. इट मूव्स इन वेव्स वो तरंगों की मानिंद वो फैलती है. रेडियो इज एन इंस्ट्रूमेंट और सम मॉड्यूल व्हिच कैन प्रोड्यूस द वेव्स इनटू साउंड. इट कैन ट्रांसमिट द वॉइस और द वेव्स इनटू साउंड. और रेडियो ऐसे एक यंत्र है जो इन तरंगों को आवाज में बदल सकती है. देयरफॉर व्हेन यू स्पीक इन योर फोन इन माय फोन आई एम हियरिंग योर वॉइस जब इसलिए जब आप मैं फोन से बातें करता हूँ आप मेरी आवाज को सुनते हो. सो व्हेन यू स्पीक टू योर फोन इट इज कनेक्टेड टू द सैटेलाइट. जब आप आपके फोन में बातें करते हो सैटेलाइट के द्वारा वो जोड़ा जाता है. एंड द सैटेलाइट इज रिटर्निंग देयर वॉइस टू मी टू माय नंबर. सैटेलाइट वो मेरे नंबर या मेरे फोन में आपकी आवाज को भेज देते. सो द रेडिएशन गोस मोर फास्टर इसलिए रेडिएशन की तरंगे बहुत ही तेजी से तीव्रता से जाती है. द वॉइस मूव्स लाइक ए वेव. वेव इज लाइक ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मींस जस्ट नाउ मूविंग लाइक दिस. ये आवाज नाउ द फैन इज ऑसिलेटिंग. ये आवाज जो है एक ये तरंगों की मानद ऐसे हिलने की मानद होता है. सो एवरी इंस्ट्रूमेंट नाउडेज इज कनेक्टेड विद आरएफआईडी इसलिए आजकल सभी यंत्रों का जोड़ आरएफआईडी के द्वारा होता है. ऑल योर कम्युनिकेशन आर स्टोर्ड अप. आपके सब वार्तालाप जो ये सब स्टोर किया जाता है. एनी टाइम द गवर्नमेंट कैन पिक इट अप. कभी भी सरकार उसे बाहर लेकर आ सकता है. एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. और एक चीज है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. दैट इज अ ट्रैकिंग सिस्टम. वो एक ट्रैकिंग सिस्टम या ढूंढ निकालने का एक सिस्टम है. योर फोन व्हेरेवर यू आर मूविंग आपका ये फोन लेकर आप कहीं पर भी जाते हो. द फोन इज ट्रैकिंग यू. इट इज आइडेंटिफाइंग यू. फोन जो आपका पीछा करता है और आपका निशाना लगाता है. सो व्हाई द टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवांस टू सच अ लेवल. ये तकनीकी इतना ज्यादा क्यों बढ़ चुका है. बिब्लिकली शास्त्र के तौर से देखने से टू ट्रैक एवरी सिटीजन सो दैट ही कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट. हर एक नागरिक को उसका पीछा करने के लिए ढूंढ निकालने के लिए ताकि वो सरकार से अपने आप को छिपा न सके. रिसेंटली पीपल हैव मेड अ ड्रोन. और हाल ही में लोगों ने ड्रोन बनाया है. व्हाट इज इट वो क्या है. ए स्मॉल एयरक्राफ्ट लाइक थिंग. वो विमान के समान एक छोटा सा एक यंत्र है. एंड विदाउट ए मैन इट इज फ्लाइंग. एक इंसान के बिना वो उड़ सकता है. यू कैन स्पॉट एवरी पर्सन. यू कैन ट्रैक एवरीबॉडी. वो हर एक व्यक्ति का पीछा कर सकता है ढूंढ निकाल सकता है. सो दीज आर ऑल द लेटेस्ट यू नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये आधुनिक तकनीकी बढ़ोतरी है. ऑल दिस इज मेंट फॉर ओनली वन रीजन बिब्लिकली. शास्त्र के तौर से एक ही कारणवश बनाया गया है दैट यू मे बी ट्रैक ताकि आपका पता लगाया जाए. यू कांट हाइड योरसेल्फ. आप अपने आप को छिपा नहीं सकते. मेनी पीपल रन टू द जंगल एंड दे विल हाइड देमसेल्फ्स इन द केव्स. बाइबल में लिखा है कि बहुत लोग जंगलों में जाकर गुफाओं में छिप जाएंगे. बट विद दिस आरएफआईडी दे कैन ट्रैक यू व्हेरेवर यू आर हाइडिंग. लेकिन ये आरएफआईडी से जहां कहीं आप छिप जाते हो वे आपका पता लगा सकते हैं. यू कांट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट. आप सरकार से छिप नहीं सकते. एंड दिस देयरफॉर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. यू आर आइडेंटिफाइड एनीवेयर यू हाइड यू विल बी आइडेंटिफाइड. इसलिए इस सिम कार्ड को इस प्रकार से कहते हैं कि और आप जहां कहीं भी हो वे आपका पता लगा देंगे. दिस इज नॉट गॉड्स विस्टम. ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं. गॉड्स विस्टम इज गिविंग यू द होली स्पिरिट. परमेश्वर का ज्ञान ये है कि आपको पवित्र आत्मा दे. गिविंग यू द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन दे. दे आर गॉड्स एलिमेंट्स. ये सब परमेश्वर की बातें हैं. टू गाइड यू टू लीड यू टू हेल्प यू टू एम्पावर यू टू इंस्पायर यू टू मोटिवेट यू. वर्ड ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड. परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन इसलिए आपको दिया गया है ताकि आपकी अगुवाई करे आपको मार्गदर्शन करे आपको प्रेरणा करे आपको आगे बढ़ाए. गॉड द होली स्पिरिट कैन टेक यू टू हेवन. परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग ले जा सकता है. बट द इल्यूमिनाटी इज इल्यूमिन माइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस. ये इल्यूमिनाटी का जो इंसान का ज्ञान है विच अपीयर्स टू बी अ फास्ट रनिंग टेक्नोलॉजी. वो बहुत ही तेज से जाने वाली तकनीकी के मान्य इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक है. बिकॉज वी डोंट गिव रिगार्ड टू गॉड. क्योंकि हम परमेश्वर को हिसाब नहीं देते हैं. आई वी गिव रिगार्ड टू द फोन. और हम फोन को ज्यादा हिसाब देते हैं. इन थेसलोनियंस गॉड सेज वी बिलीव द लाई मोर देन द ट्रूथ. हम थेसलोनिकियों में पढ़ते परमेश्वर कहता है कि सत्य से ज्यादा हम झूठ पर विश्वास करते हैं. ऑल दीस थिंग्स आर डिसीविंग यू. ये सब बातें आपको धोखा दे रही है. देयरफॉर जीसस सेड इन मैथ्यू 24:4 इसलिए मत्ती 24:4 में यीशु ने कहा व्हेन द डिसिपल्स आस्क्ड हिम व्हेन शे
shall these things be? जब चिलु ने उससे पूछा ये सब बातें कब होगी? What are the signs of your coming? तेरे आगमन की चिन्ह क्या है? What is the sign of the end of the world? ये संसार के अंत का चिन्ह क्या है? Jesus said, being the first thing, be not deceived. यीशु मसीह ने कहा कि पहली बात कि तुम धोखा नहीं खाना. Yes, deceive means धोखा खाना कहने से the false appearing as true, that is deception. जो कुछ झूठ है वो असली के समान लगता है. Now we are living in a world of deception. अभी हम भरमाने वाली एक दुनिया में जीवन बिता रहे हैं. The wicked man, the man of sin, the son of perdition, he will come with deception. ये विनाश का पुत्र पाप का पुरुष वो धोखे के साथ आएगा. He will entice you with the latest technological devices. वो आधुनिक तकनीकी के यंत्रों के द्वारा आपको आकर्षित करेगा. We are very mad after the latest things. आधुनिक चीजों के पीछे हम बहुत ही पागल हो जाते हैं. Therefore, Bible strictly says, the love of the world is enmity to God. इसलिए हमारा शास्त्र सही तौर से कहता है कि आप दुनिया से प्रेम करते हो तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में शत्रुत्व है. Yes, Apostle Peter says the whole world is kept in store to be burned with fire. प्रेरित पत्रस कहता है पूरा संसार आग से जलकर भस्म होने के लिए रखा गया. But still there is time. लेकिन और भी समय है. Because God's purposes have to be fulfilled. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना है. Don't be deceived by the world. इस संसार से धोखा नहीं. I'll give you a few more verses to make you understand as to why we shouldn't accept the mark of the Antichrist. हम मसीह विरोधी का चिन्ह क्यों नहीं लेना चाहिए इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें और कुछ शास्त्र के वचन बताऊंगा. Sometimes even before the coming of the Lord, this will be enforced upon the citizen. That's a possibility. हो सकता है कि प्रभु के आगमन के पहले ही नागरिकों को इसे लेने के लिए मजबूर किए जाएंगे. Because 2 Thessalonians 2:3 says, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीको 2:3 में लिखा है, there will be big falling away before the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के पहले ही बहुत बड़ा धर्म का त्याग होगा. In the end times, अंतिम दिनों में, many will fall away. बहुत लोग ऐसे पीछे हट जाएंगे. Knowledge will be increased. और ज्ञान तो बढ़ जाएगा. But if it is a worldly knowledge, with a worldly knowledge, they can't help themselves. लेकिन यदि संसारिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान के द्वारा भी अपनी मदद नहीं कर सकते. They need to equip their mind with the divine knowledge, the knowledge of the scriptures. उन्हें ईश्वरीय ज्ञान या शास्त्र के ज्ञान से अपने दिलों को भरना चाहिए. Yes, and the devil will approach you with a deception. और शैतान अब धोखे से आपके पास आएगा. Therefore, Saint Paul writes in 2 Corinthians 11:3. इसलिए संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन में लिखता है, I have exposed you to one husband, Jesus Christ, as a chaste virgin. मैं तुम्हें एक ही पुरुष या मसीह के साथ मसीह के पास एक पवित्र कुमारी की नाई सौंप दिया हूँ. But I fear, लेकिन मैं डरता हूँ, as the devil beguiled Eve in his subtlety, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, let your mind be corrupted from the simplicity that is in Christ. वैसे आपकी मन उस सुविधाई से भ्रष्ट हो जाए जो मसीह में था. So all what the devil is trying to do in you is to corrupt your mind. शैतान आपकी मन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. The sincerity that you have in Christ. मसीह के साथ आपको जो सीधाई है. From the steadfastness you have in Christ. मसीह में जो स्थिरता है उसमें से. So he will bring enticing things to you, enticing people to you. वो आपके पास ऐसे धोखा देने वाली चीजें और धोखा देने वाले लोगों को लेकर आएगी. Illuminati says we are going to make every citizen a smart citizen. Illuminati कहते हैं सब नागरिक को हम स्मार्ट कर देंगे. Only to divert your attention from the simplicity that is in Christ to corrupt your mind. ताकि आपके मन को भ्रष्ट करे और मसीह में जो सीधाई है उससे आपको अलग करे. For few reasons you should never accept the mark. और इस कारणवश आप कभी भी उस छाप को नहीं लेना चाहिए. Note on the words, आप इस वचन को लिख लीजिए. Revelation 16:2. प्रकाशित वाक्य 16:2. If you accept the mark, यदि आप उस छाप को ले लेते हो, grievous sores will attack your body. और दुखदाई फोड़े आपके शरीर में निकलेंगे. How does it happen? ये कैसे होता है? The microchip that we implanted on your forehead or in your hand. ये माइक्रोचिप जो आपके माथे पे या दाएं हाथ में होगा. It is used by lithium battery. वो lithium battery के द्वारा रिचार्ज किया जाता है. Now the microchip is going to be implanted in your body. It is going to be injected in their body. अभी ये माइक्रोचिप जो है आपके शरीर के अंदर लगाया जाएगा. Scientists say the lithium battery has a danger of naturally exploding. और वैज्ञानिक ये कहते हैं लिथियम बैटरी से ऐसा खतरा है कि कभी उसका विस्फोट हो सकता है. And during the tribulation period. और पीड़ा काल के समय में. Isaiah says. यशाया कहता है. Isaiah 30:26. यशाया 30:26. The light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be 7-fold as the light of 7 days. चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी के समान होगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा. In the day that the Lord bindeth the breach of his people and healeth the stroke of their wound. उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा. During the tribulation period, the light of the
sun is going to be increased 7 times. ये पीड़ा काल के समय में सूर्य का तेज और 7 गुना बढ़ेगा. So now it is shooting up to 40 degrees Celsius. सोच लीजिए अभी जो 40 डिग्री का तापमान है. In those days the heat will be 278 degrees Celsius. और उन दिनों में जो है यहाँ की जो तापमान है 270 डिग्री होगा. Boiling heat. बहुत ही ज्यादा गर्म. But people won't die. लेकिन लोग मरेंगे नहीं. They will like to die, but because God is torturing them for not being obedient to him, he will never allow anybody to die. लोग तो सताव से बहुत ही ज्यादा मरने के लिए आशा तो करेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं. परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा सताएगा क्योंकि वे उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे. Now the scientists have invented. अभी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है. Artificial living cells. आर्टिफिशियल जीवित कोशिकाएं. Yes, once that is injected in the body, your cells in the body will never die. Even if they die, they can be replaced. यदि वो आपके शरीर में डाले जाते हैं तो आपके शरीर की कोशिकाएं कभी मरेंगे नहीं. Go home and read the entire chapter of Revelation 16. आप घर जाकर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पढ़िए. Verse 2 we read. दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं. Yes, there will be grievous sore upon the men which had the mark of the beast. जिन्होंने उस पशु की पूरत की चाप लिया था उनके ऊपर बहुत बड़े फोड़े निकलेंगे. How? Because over here perhaps the lithium battery will explode. बहुत ही ज्यादा गर्म होने के कारण हो सकता है कि वो लिथियम बैटरी का विस्फोट होगा. And due to overheat of the sun, their body, the boils will be developed. और उनके सूर्य का बहुत ज्यादा तापमान के कारण उनके शरीर में फोड़े निकलेंगे. And specially is mentioned. और खास करके बताया गया है. Grievous sore will come upon those people which had the mark of the beast and upon them which worshipped his image. जिन मनुष्यों ने उस पशु की चाप ली और उनकी पूजा की उनके ऊपर ऐसे फोड़े निकलेंगे. But Bible says. लेकिन शास्त्र कहती है. In the 9th verse and the 10th verse. 9 और 10 वचनों में. Men were scorched with great heat and blasphemed the name of God. मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की. They gnawed their tongues for pain. वे लोग उस पीड़ा के कारण अपनी जीभ चबाने लगे. 11th verse. And blasphemed the God of heaven because their pains and their sores and repented not of their deeds. और अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग की परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया. In the 6th chapter, last verse we read. 6वां अध्याय का आखिरी वचन में पढ़ते हैं. In those people will try and they will love to die. उन दिनों में लोग मरने की कोशिश करेंगे और मरने के लिए वे लोग चाहेंगे. Great men of the world, great rich men of the world. इस संसार की बहुत महान लोग, बहुत धनी लोग. Who think that with money and with human intelligence we can save our lives. वे लोग सोचते होंगे धन के द्वारा और इंसान की बुद्धि के द्वारा हम हमारे जीवन को बचाएंगे. And the highly profiled people. और बहुत बड़े बड़े रईस लोग. What does the Bible say about them? शास्त्र उनके बारे में क्या कहता है? Revelation 6:15 and 16. प्रकाशित वाक्य 6 का 15 और 16. And the kings of the earth and the great men. और पृथ्वी के राजा और प्रधान. And the rich men. और धनवान. And the chief captains and the mighty men. और सरदार और सामर्थ्य लोग. And every bond man, every free man. और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र. They will hide themselves. वे अपने आप को छिपाएंगे. In the dens and the rocks of the mountains. पहाड़ों की खो में और चट्टानों में छिपेंगे. Verse 16. 16 वचन. And said to the mountains and rocks. और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे. Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne. And from the wrath of the Lamb. हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो This word can give you possessions and positions. ये संसार आपको चीजें, जायदाद और एक स्थान दे सकती है. These are all deceptions. लेकिन ये सब धोखा ही है. Don't put your trust in them. Put your trust in God. आप उन पर भरोसा मत रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए. Number 2. दूसरी बात. Revelation 8:7. प्रकाशित वाक्य 8 का 7. When the first angel sounded the trumpet, hail and fire mingled the blood. Will cast upon the earth, and 3rd, 4th, and 5th angels sounds only will fire destroys. और पहली स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, लहू से मिले हुए होली और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई. Then the lithium will melt and mingle with the blood of man. और उसके बाद जो ये सब पिघल कर मनुष्य की खून के साथ मिल जाएगी. Chapter 19:18. 19 का 18 वचन. Grievous sore will come. बहुत सारी ऐसी दुखदाई फोड़े निकलेंगे. The flesh of man will melt. और इंसान का सारा मांस पिघलने लगेगा. And the fowls of the air will eat the flesh. और आकाश के पक्षी उसके मांस को खाएंगे. Revelation 14:11. प्रकाशित वाक्य 14 का 11. They shall be tormented with fire and brimstone forever and ever.
forever. वे युगानुयुग आग और गंदगी पीड़ा में रहेंगे. While living grievous sore, not a death torment in hell. और वे लोग नरक में भी इस प्रकार से पीड़ा सहेंगे. These are the reason why God says, don't accept his mark. और इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि उस छाप को नहीं लेना. But we must accept the mark of God. लेकिन हम परमेश्वर के छाप को लेना चाहिए. God also gives his mark to his people, his followers. परमेश्वर अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को ऐसे एक छाप देता है. Mark has three meanings. छाप का तीन अर्थ है. One, पहला, it is a goal. वो एक निशाना है. First meaning of the mark is biblically goal. ये चिन्ह कहने से उसका पहला अर्थ एक लक्ष्य है. In Philippians 3:14, फिलिपियों 3:14 में Saint Paul says, संत पौलुस कहता है, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है. God has given you a mark. परमेश्वर आपको एक छाप या एक चिन्ह देता है. That mark is the goal. वो चिन्ह कहने से वो आपका निशाना है. What should be your only goal in life? जीवन में आपका एकमात्र निशाना क्या होना चाहिए? To press toward the mark for the price of a high calling. God has called you with a high calling that you may obtain his glory. परमेश्वर ने आपको एक ऊंची बुलाहट के साथ बुलाया है ताकि आप उसकी महिमा को हासिल करें. Obtaining the glory of God in the end is your mark. अंत में परमेश्वर की महिमा को हासिल करना ये आपका निशाना है. To receive a crown from the hand of God is your mark. परमेश्वर की हाथ से एक मुकुट पाना ये आपका निशाना है. To obtain the mark, you have to run fast, you have to press forward. ये निशाने को पाने के लिए आपको तेजी से आगे दौड़ना है, आगे बढ़ते जाना है. But just to deviate your mind from the truth, the devil brings a lie. लेकिन मन को सच्चाई से भटकाने के लिए शैतान एक झूठ ले आता है. We don't accept the truth of God out of love for God. यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण यदि आप सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, You'll be forced to fall into the hand of the devil as a prey. आप शैतान के हाथ में आहिर की मानंद गिर जाओगे. So always keep your goal before you. इसलिए आपके सामने उस निशाने को रखिए. I am called to heaven. मैं स्वर्ग के लिए बुलाया गया हूँ. I am called to Zion. मैं ज़ायन सिय्योन के लिए बुलाया गया हूँ. New Jerusalem. मैं नई यरूशलेम जाने के लिए बुलाया गया हूँ. Crowns and great rewards from the hand of God for all my good works. परमेश्वर के हाथ से मुकुट और प्रतिफल मेरे सारे अच्छे कामों के लिए पाने के लिए बुलाया गया हूँ. Behold, I come quickly. यीशु कहता है, मैं देखो मैं जल्दी आऊँगा. And my reward is with me. और मेरे हाथ में प्रतिफल है. To give every man according as his work shall be. हर एक मनुष्य को उसके काम के हिसाब उसे देने के लिए. In Titus 2:14. Titus 2:14 में. To Titus Paul writes. तीतुस से संत पौलुस लिखता है. He is zealous of good works. अच्छे कामों के लिए सरगर्म हो जाओ. Unto the day of Christ. मसीह के दिन के लिए. So we are called to do good works. हम अच्छी काम करने के लिए बुलाए गए हैं. To work for Christ. मसीह के लिए काम करने के लिए. To win souls for Christ. मसीह के लिए आत्मा कमाने के लिए. To live for Christ. मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए. To justify Christ. मसीह को ऊंचा करने के लिए. That is your goal. ये आपका निशाना है. In Philippians 3:20-21. फिलिपियों 3:20-21 में. Conversation is in heaven. हमारा नागरिकता स्वर्ग में है. From there we look for Jesus to come. वहां से यीशु को आने के लिए बात जोते हैं. I counsel you to press on to that mark and don't focus on any other mark. मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसी निशाने की ओर आगे बढ़ता जाए और किसी निशाने को ना देखें. Second meaning of the word in Bible is. और उसका दूसरा अर्थ शास्त्र में ये दिया है. Mark means. ये चिन्ह कहने से. ये साइन इन द बॉडी. ये स्कार इन द बॉडी. शरीर में एक चिन्ह या एक दाग. वी स्पीक अबाउट द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट. वो मसीह के कष्टों के बारे में कहता है. इन Galatians 6:17. गलतियों 6:17 में. एंड Colossians 1:24. और कुलसियों 1:24 में. आई बियर इन माई बॉडी द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मैं अपनी देह में यीशु के दागों को लिए फिरता हूँ. पॉल सेज आई बियर द मार्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन माई बॉडी. जब पॉलुस कहता है कि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ. आई हैव यील्डेड इन बॉडी टू सफर फॉर क्राइस्ट. मैं अपने शरीर को मसीह के खातिर कष्ट उठाने के लिए समर्पण किया. He had that vision in his life. उनके जीवन में ऐसा एक दर्शन था. Christ was cursed only 39 times. मसीह को केवल 39 बार मारा गया. By the Roman soldiers. रोमी सैनिकों के द्वारा. Whereas Paul was cursed 5 times. Say one. That means 195 times he was cursed. लेकिन पौलुस को वे लोग 195 बार मारे. We must always be willing to suffer for Christ. हम हमेशा मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. In doing his perfect will. उसके सिद्ध मर्जी करने में. We must have a vision about that mark. Otherwise, the devil will deceive you, put his mark on your head,
एंड ही विल लीड यू टू हेल फायर बर्निंग विद फायर एंड ब्रिमस्टोन। हमें यीशु का वो चिन्ह लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो शैतान अपना चाप हमें देकर हमें नरक की ओर ले जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। एंड द थर्ड वन इज, और तीसरा अर्थ है, मार्क स्टैंड फॉर एन आइडेंटिफिकेशन, चिन्ह जो है एक पहचान है। As already told you, जैसे पहले से कह दिया, इन रेवलेशन 13:16-17 द डेविल वांट्स टू पुट अ मार्क ऑन योर हेड। प्रकाशित वाक्य 13:16-17 में देखते हैं कि शैतान आप पर यह पहचान देने के लिए चाहता है। गॉड वांट्स टू पुट दिस मार्क ऑन यू, जैसे परमेश्वर अपना चिन्ह आप पर लगाने के लिए चाहता है। द डेविल वांट्स टू डिसीव यू बाय इमिटेटिंग द मार्क ऑफ क्राइस्ट बाय गिविंग यू हिज मार्क। और शैतान जो है मसीह का उस चिन्ह का नकल करते हुए अपना चिन्ह आपको देने के लिए चाहता है। ही सेड विदाउट दिस मार्क यू कैनॉट बाय और सेल। वो कहता है कि इस चिन्ह के बिना तुम लेन देन नहीं कर सकते हो। अदर वर्ड्स, बाय एक्सेप्टिंग दिस मार्क आई विल मेक यू अ बिग बिजनेसमैन। नहीं तो दूसरे शब्दों में कहने से, आप ये चाप लेने से मैं आपको एक बहुत बड़ा व्यापारी बनाऊंगा। आई विल सस्टेन यू, मैं तुम्हें संभालूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इट्स ऑल फॉल्स प्रॉमिसेस, ये सब झूठे प्रतिज्ञाएं हैं। रियली डेज पीपल यूज्ड टू से विदाउट अ क्रॉस देयर इज नो क्राउन। पहले लोग कहते थे कि कष्ट के बिना या क्रूस के बिना कोई मुकुट भी नहीं मिलेगा। क्रॉस इज अवर सिंबल, क्रूस हमारा चिन्ह है। यस, एंड एज जीसस गेव हिज लाइफ ऑन द क्रॉस, जैसे यीशु क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। इन लूक 14:26-33 ये सेड, लूका 14:26-33 में वो कहता है, मेनी ऑफ यू वांट टू फॉलो मी, यदि कोई मेरा पीछा करना चाहते हैं, लेट हिम टेक अप हिज क्रॉस एंड देन कम एंड फॉलो मी, तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा हो ले। इन 2 Timothy 4:4 ये सेज, आई हैव फॉट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। दूसरा तिमोथियुस 4 में कहता है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। I finished my course, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। Therefore there is a crown of righteousness laid up for me in heaven, और मेरे लिए धर्म का मुकुट स्वर्ग में रखा गया है। Which my God will give me on that day when he will come, वो जो मेरा प्रभु जब वो आएगा उस दिन मुझे देगा। Only those who suffer for Christ, केवल जो लोग जो मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं। As he writes to the Corinthians, जैसे वो कुरिन्थियों को लिखते वक्त, the light afflictions in my body, मेरे शरीर में जो हल्का सा क्लेश है, take a strong determination, यदि आप एक बलवंत इरादा करते हैं, to live for Jesus, मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए, to what extent I may to suffer for him, I least bother about it, the grace God will help me to suffer for the Lord. मुझे चाहे कितना भी प्रभु के लिए कष्ट उठाना पड़े, मुझे उसके बारे में फिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मदद करेगा। Reproaches or afflictions or any other poverty level, I never bother. Nothing can separate me from the love of God. चाहे कितना भी निंदा अपमान, कितना भी कष्ट मुसीबतें आए, वो मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सके। That is your mark. वो आपका चिन्ह है। That is your goal. वो आपका लक्ष्य है। Bow down and make up my close your eyes and make a covenant with God। आप आंखों को बंद करके आप घुटने टेक कर प्रभु के साथ एक वाचा बांधिए। Apostle Peter says in 2 Peter 3:10, the world is going to be burnt, all the elements of the earth will be burnt with fire to ashes। दूसरा पत्रस 3:10 में संत पत्रस कहता है, ये संसार जलने के लिए रखा गया, सब जलकर भस्म हो जाएगी। द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर योर थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये संसार तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रही है। इफ देयर बी अ न्यूक्लियर वॉर, यदि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, सब पूरा संसार नाश किया जाएगा। नथिंग गुड इज देयर इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई भलाई नहीं है। देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, इस संसार में शांति नहीं है। बट गॉड फिल्स योर माइंड विद divine wisdom through the anointing of the Holy Spirit and through the knowledge of the word of God. लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर हमारे मनो में ईश्वरीय ज्ञान देता है। We are not sent to declare unto you all the counsel of God that we may be free from your blood. हम आपको पूरे परमेश्वर की सलाह देने से पीछे नहीं हटे, ताकि आप आपकी बातों के बारे में हम निर्दोष रहे। आई विल हैव ओनली द मार्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन माई बॉडी, मैं अपने शरीर में केवल प्रभु यीशु मसीह का दाग या चिन्ह लूंगा। आई मे रीच द मार्क फॉर विच गॉड हैज कॉल्ड मी, ताकि मैं उस निशाने में पहुंचूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। टेल टू जीसस, आई बिलोंग टू यू जीसस, मैं यीशु मसीह, मैं केवल तेरा ही हूँ।